अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो, खैरियत से हो। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, ये अभी सुबह का वक्त है, 11 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ इमरजेंसी में आदिल का, हमेशा गाजी करती रहती हूँ, आदिल का जो प्ले उसका जो कोट है ना स्कूल का, वो मुझे ड्राई क्लीनर को देना है ड्राई क्लीनिंग के लिए। तो मैं अभी जा रही हूँ अल्स कोट, वहाँ पर है ड्राई क्लीनर, तो देखते हैं वो कितने दिन में देता है। अगर ये कल या परसों तक में देता तो अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से स्कूल शुरू हो रहा है। मैं ये मेरे लास्ट टाइम, मतलब लास्ट मोमेंट पे मेरा दिमाग में आता है ये सब चीज़ें, काम जो बचे खुचे होते हैं लास्ट मोमेंट में सब आता है कि भैया हाँ अब काम ये वाला कर लेते। हालांकि ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये एकदम लास्ट मोमेंट में मुझे करना पड़ रहा है। मैं देखती हूँ जाकर कि वहाँ पर अगर वो लेते हैं और जल्द ही वो काम करके मेरा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस ले आऊँगी, क्योंकि भाई मंडे को स्कूल है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो चलते हैं वहाँ, फिर मिलते हैं। गाइज, यहाँ पर मैंने दिया है आदिल की कोट को, मैंने दे दिया है कोट। उन्होंने कहा है कि कल सुबह तक आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा, तो थैंक गॉड। अब अच्छा गाइज, मैं अब जा रही हूँ हाई स्ट्रीट कैंसिंगटन, मुझे वहाँ से कुछ काम है, तो मैं वहाँ से काम निपटा के आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जी, तो जो काम था ना, मुझे ये काम था कि नेक्स्ट डे गाजी का बर्थडे था, तो मुझे उसके लिए एक अच्छा कपड़ा लाना था और एक छोटा सा केक लाना था, तो वो मुझे ऑर्डर देना था एक दिन पहले ही। तो यहाँ पर मैं आई हूँ, डैश केक है हाई स्ट्रीट कैंसिंगटन पे, तो मैं वहाँ पर मैंने गाजी के लिए एक छोटा सा केक ऑर्डर किया था। अच्छा, अपना काम निपटा करके मैं आ गई घर और फिर मैं लग गई खाना बनाने में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्पेगेटी चिकन एंड वेजिटेबल के साथ, आप खुद ही देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो वेजिटेबल्स में मैंने कैप्सिकम लिया था, कैबेज रखा हुआ था हाफ पहले से, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने बच्चे सब्ज़ी भी खा लेंगे, तो कैप्सिकम था, कैबेज था, टमेटो था और चिली और स्प्रिंग अनियन वो था, और बस ये सारी चीज़ें मैंने पहले से चॉप कर ली थी। स्पेगेटी को मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, जैसे आप देख रहे हो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं ऑयल भी डालूँगी जिससे एक दूसरे से ये चिपके नहीं। तो हमेशा मैं उबला हुआ ही केटल का पानी डालती हूँ, मैं ठंडे पानी से नहीं उबालती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा ये क्यूमिन पैक, न्यू पैक रखा था, मैंने सोचा इसको वापस इसके जार में भर दूँ, हालाँकि पूरा इस जार में नहीं आया था, बट जो लेफ़्ट ओवर होते हैं ना, जो भी मसाले बच जाते हैं पैकेट में, मैं उसको एक सैंडविच बैग, आपने अक्सर देखा होगा ब्लू कलर का, मैं उसमें सारे बैग्स को रख देती हूँ जो एक्स्ट्रा मसाले बच जाते हैं तब जार में खाली करने के बाद। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो ये जो स्पेगेटी है ये ऑलमोस्ट मेरा डन है, मैं उसको भी 2-4 मिनट के लिए थोड़ी देर दूसरे चूल्हे पर रख कर के थोड़ी देर और इसको वो करूँगी, उसके बाद मैं इसको ड्रेन कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर अभी जो चिकन और वेजिटेबल्स का जो मुझे बनाना है मिक्स, वो अब मैं यहाँ पर सब उसका रेडी कर रही हूँ किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ पैन में, उसके बाद मैं वेजिटेबल्स कट करूँगी, वेजिटेबल्स इकट्ठा कट करके रख दूँगी, एंड देन मैं फिलेट, चिकन फिलेट जो मैंने मंगाया था उसको कट करूँगी बारीक बारीक, इतना भी बारीक नहीं बट इतना बारीक करना है कि स्पेगेटी के साथ अच्छा लगे। तो जिस तरह से मैं कैप्सिकम कट करी, जिस तरह मैंने कैबेज कट किया है, उसी तरह मैं चिकन फिलेट भी कट करूँगी। तो अभी यहाँ पर ऑयल हो रहा है, मैं फिर वेजिटेबल्स वगैरह सब कट करके एक साइड पे रख दूँगी, फिर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि चिकन फिलेट को भी कट करूँगी। तो अभी ये बात बीच में मैं स्टॉप करती हूँ, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, हालाँकि मैं ये व्लॉग की एडिटिंग बाद में कर रही हूँ, बट लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी है इंस्टाग्राम पे, काफ़ी कंसर्न भी जाहिर किया है, गाजी के नाक पे जो ट्यूब लगा है उसके लिए बहुत वॉरिड थे, अभी क्या हुआ है गाजी को, क्या हो गया है ये वो। बट उन लोग को मैंने कितनी बार बोला कि भैया यूट्यूब पे आ जाओ, आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, मैंने क्यूब्स यूज़ किए हैं जिंजर गार्लिक के, अगर फ्रेश जिंजर गार्लिक आपके पास हो तो ज़्यादा मज़े का आएगा, हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने क्यूब्स यूज़ किए हैं।
और वो थोड़ा सा होने के बाद फिर मैंने डाल दिए चिकन के पीसेस उसको फ्राई करने के लिए, और साथ में ब्लैक पेपर भी डाल रही हूँ, और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। वक्त इतनी तेज़ी से जा रहा है कि पूछे मत। हालांकि हर वक्त और जो भी हमारे मिनट्स होते हैं, हमारे जो आवर्स होते हैं, हमें पता होता है कि हम किस दौर से गुजर रहे थे और किन आजमाइशों से हम गुजर रहे हैं, पर हमें ये भी होता है ना, जब एक मोमेंट पे आपको ये छोटी सी खुशियाँ मिलती है, लाइक फॉर एग्जांपल गाजी का बर्थडे, इतनी जल्दी से लगता है अभी तो पैदा हुआ था, इतनी जल्दी उसकी बर्थडे आ गई, वो एक साल का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, बट फील तो होता है जब आप किसी भी आजमाइशों से गुजर रहे हो तो आपको एक एक पल बहुत भारी सा लगता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया है ना मैंने, तो मैं इस वजह से आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। और जब आप दूसरे साइड भी सोचते हो ना कि आपके साथ जो भी हो रहा है अल्लाह की तरफ से, जो भी आजमाइशें हैं, जो भी है, तो अगर मतलब उस पर मैं ख़ुद पर प्राउड फील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसको अच्छे से फ़ेस कर पा रही हूँ। और अल्लाह जब आपको किसी आजमाइश में डालता भी है ना, तो साथ ही साथ वो भी ताकत देता है, एक सब्र का भी ताकत देता है। तो अल्लाह ने मुझमें इतना सब्र दे दिया है ना, वो आप लोग देख ही रहे हो कि चारों तरफ से वारे हो रही हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ेस कर रही हूँ। अक्सर लोग इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि आपको दुख दर्द तकलीफ़ परेशान देख करके ये बोलते हैं कि अल्लाह की नाराज़गी की वजह से है, बट फैक्ट तो ये है कि अगर ये सब अल्लाह की नाराज़गी होती तो वो कभी, अगर ये मतलब दुख दर्द तकलीफ़ देना होना ज़िंदगी में ये अल्लाह की नाराज़गी होती, तो वो सब चीज़ें हमारे प्यारे नबियों को कभी ना मिलती। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। हे गाइस, तो ये है आज अगला दिन, आज गाजी का बर्थडे है, आज है 6th of January। और मैंने कल छोटा सा केक उसके लिए ऑर्डर किया था, मुझे ऐसा कोई, मैं कोई ऐसी बिग पार्टी शार्टी नहीं करी, जस्ट थोड़ा सा मेमोरी के लिए, गाजी जब बड़ा होगा देखेगा तो बस उसके लिए छोटा सा केक ऑर्डर किया है। तो बस मैं अभी जा रही हूँ केक लेने, तो फिर घर पहुँच के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये रहा छोटा सा केक मेरे बच्चे का, ऐसा मैंने केक ऑर्डर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप से केक, मतलब पिक्चर बनी हो स्पेशली, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये लेकर के मैं सीधे घर जाऊंगी, और पता चला है कि मेरी सिस्टर इन लॉज वगैरह भी आ रही हैं, क्योंकि गाजी का फर्स्ट बर्थडे है तो उन्हें सरप्राइज़ तो देना बनता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ कि जैसे वो लोग आएंगे तो चाय के साथ ये सर्व कर दूँगी। कोई नहीं, अभी गाजी को चेंज कर देते हैं। सलवातुका अलैहि वअला आलिही।
फी हाजरी साथी व फी कुल्ले सा वलियां व हाफिजा व कायदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहू अर्ज़का तौआ व तमत्याहू फीहा तवीला And then we have. Where's the other one gone? Little lovely, lovely tracksuit bottom and a top for you. Oh, wow. Yeah. Happy birthday. Wishing you a wonderful day and may Allah give you lots of good health and happiness. Thank you so much. I really appreciate it. Love from Coco, Uncle Joe, Isha, your faves, you so and Alina. Your faves? Isha. Wow. Smart. What's that? Let's try it on. Do you want to try it on? Later. आलिया इस वक्त वो बनी जो जोड़ा नहीं दिखाती है शादी में और Wow. What would you like his present? What is in his side here? Double. Oh my god. Oh look, he's gripping it. He likes it. Oh, what is this? And look, the little superhero. अभी जो पहने वो 12 टू 18 का पहने तब्बो फुप्पो ऐसा है जब ईशा अलीना लोग की शादी होगी जोड़ा जब दिखाया जाएगा ना तो आलिया को खड़ा कीजिएगा जोड़ा दिखाने के लिए A nice green, nice shirt. Number one. Look at this. Oh yeah, he's 1 year old, so number one. Yeah. Do you like this? My sweet Ghazi, happy first birthday. Love the ball, Popo. What did that say, Selena? Selena. Sorry, I can read that. Please. It's Sakina, Zara, and Sajad. Card, card, card. What? No, it just said, it looked like an L. I was like, who's Selena? Wow. Look. You know, if I had money, you know. What do you call as, sorry, grandson as amazing as you?
to my cute baby Gauzy. Trick question. There isn't a word for a grandson as amazing as you. Aww. Oh, and Andy's face. Okay. Happy birthday. Happy birthday. First love, Noddy. Do you like it? She's giving you kisses. Oh, you have to kiss. Side out of this, Vita. Oh, so cozy. Hurry, exit. Gazi ki sehat aur salamati ke liye baawaz e buland tar salwar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajju farajum. Well done. I made a vlog when we all went away. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Gazi. Happy birthday. अच्छा जी, तो केक वेक कटने के बाद मैं ज़रा सा निकल आई थी बाहर. मुझे वही, जैसे आप लोग को पता है कि मैंने आदिल का कोट दिया था ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो मुझे वो कलेक्ट करना था. मैंने टाइमिंग यही दी थी कि मैं जाके कलेक्ट करूँगी. तो मैं आ गई थी मैं कोट कलेक्ट करने. तो जिस ड्राई क्लीनर्स में मैंने दिया था ना, वहाँ पर मोबाइल का भी शॉप था. तो मैंने मेरा जो दूसरा फ़ोन था ना, S22 Ultra, वो उसका जो स्क्रीन प्रोटेक्टर था वो चिटक गया था. तो मैंने सोचा लगे हाथ उसको भी चेंज करा लेती हूँ. तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन का स्क्रीन प्रोटेक्टर चेंज करा रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने अपने फ़ोन का कवर भी ले लिया था, क्योंकि वो पहले वाला बहुत ज़्यादा ही रद्दी हो गया था यूज़ कर करके. ओके जी, तो आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ. अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए वापस, क्योंकि सब घर पे बैठे हैं. तो व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ. इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आया हो, होपफुली. और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा. जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर करके सब्सक्राइब कर लें. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.